नमस्कार प्यारे बच्चों, कल सीबीएसई का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है 10वीं और 12वीं का। कुछ बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो गए और कुछ बच्चे असफल हो गए, फेल हो गए। सबसे पहले तो जो बच्चे सफल हुए हैं, जो अच्छे मार्क्स अचीव करके पास हुए हैं, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ और उनको यही संदेश देता हूँ कि वे निरंतर और नियमित रूप से संकल्पकृत होकर सही दिशा में प्रयासरत रहें, सफलता सुनिश्चित है। कई बच्चे फेल हो गए, पर बेटा फेल होना, पास होना, सफल होना, असफल होना, यह तो इसका उत्तरदायित्व तो केवल हमारे स्वयं पर है। हम परिणाम को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, हम कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने मार्क्स हमने अचीव किए हैं। सफलता और असफलता, यह तो जीवन में केवल दो शब्द हैं। यह तो स्वयं, इन पर तो हमारा उत्तरदायित्व है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे फेल हो गए, असफल हो गए, तो उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। क्योंकि एक साल जीवन का, एक साल बहुत अधिक होता है, एक साल हमने खो दी है। लेकिन इतना कुछ भी नहीं कि जीवन में हम तो बहुत पीछे रह गए, हमारे साथ वाले हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन में सफलता असफलता ये तो चलती रहती है, निरंतर प्रक्रिया है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। यदि हम पुनः प्रयास करें, सही दिशा में प्रयास करें, पूरी मेहनत, लगन, निष्ठा, कठोर साधना और सही दिशा में निरंतर प्रयास करें, तो सफलता दूर नहीं है। सफलता बहुत बड़ी चीज उनके लिए होती है जो हिम्मत हार जाते हैं। हमारी एक साल खराब हो गई, इसके लिए मानसिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के बहुत बड़े राष्ट्रपति हुए हैं अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा है कि यह मायने नहीं रखता कि जीवन में कितने साल बचे हैं, मायने ये रखता है कि उन बची हुई सालों में कितना जीवन बचा है। एक साल यदि आपने खो दी है तो आप दुगनी मेहनत से उस साल को कवर कर सकते हो। ऐसे बहुत सी महान विभूतियां हुई हैं जिन्होंने असफलता का स्वाद चखा है। एक हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जीवन में बहुत असफल हुए हैं, उनको विद्यालय से भी निकाल दिया गया था। क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो उनके मस्तिष्क का भार है सामान्य व्यक्ति से, सामान्य बच्चे से बहुत कम था, मात्र 1280 ग्राम का था, और उनका सर बहुत बड़ा था, वो अबनॉर्मल बच्चे लगते थे। जब विद्यालय में गए तो अध्यापक ने उन्हें विद्यालय से निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात कि 9 साल की आयु तक तो उन्होंने बोलना भी प्रारंभ नहीं किया था। सबसे पहले 9 साल की आयु में उन्होंने डाइनिंग टेबल पर एक शब्द, एक वाक्य कहा था कि सूप गर्म है। और देखो, इतनी असफलताओं के बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने। उन्होंने अपने दिमाग का सबसे अधिक उपयोग किया है, 20% ही बताते हैं, 20%। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके सर को 200 टुकड़ों में बांटा गया था और अलग अलग प्रयोगशाला में भेजा था, सिर्फ यही चेक करने के लिए कि इन्होंने अपना दिमाग इतना कैसे यूज किया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ई बराबर एमसी स्क्वायर, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि सभी मनुष्य जीनियस होते हैं,
सभी में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। जरूरी नहीं है कि किसी की मूर्त बुद्धि में जो सिद्धास्त होता है, कोई अमूर्त बुद्धि में होता है, कोई टेक्निकल होता है, कोई किताबी ज्ञान होता है, कोई साहित्य रचता है, और कोई ऐसी खोज कर देता है कि पूरी मानवता के लिए वह कारगर साबित होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि आप मछली में पेड़ पर चढ़ने की योग्यता नहीं देख सकते, नहीं तो मछली तो अपने आप को पूरे जीवन मूर्ख समझेगी। अर्थात सभी बच्चों में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, अलग अलग रुचियां होती हैं। कोई संगीतकार बनना चाहता है, कोई गीतकार बनना चाहता है, कोई लेखन में रुचि लेता है, कोई अध्यापक बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर, अलग अलग प्रोफेशन होते हैं। तो जरूर नहीं कि आज एक बच्चा 90% नंबर ले गया और एक बच्चे के 50% आए, तो ये जरूर नहीं कि उसकी केवल रुचि इन किताबों में ही है, याद कर लिए और हमने 90% ले लिए। बहुत से बच्चे भी ग्रेजुएशन MA पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, तो जरूर नहीं कि वो सभी कामयाब होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल अपनी रुचि पहचानो। सचिन तेंदुलकर है, पूरे विश्व पर उसने राज किया है, मात्र 12वीं पास था, तो ये नहीं कि वो प्रतिभावान नहीं था, वो अकॉर्डिंग अपनी जो भी उसकी रुचि है, रुचि के अनुसार हमें उसी दिशा में प्रयास करना है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हुए हैं नेल्सन मंडेला, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा है, वो भी कई बार असफल हुए हैं, उन्होंने कहा है कि लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की इस जीवन में हार नहीं होती। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद ने जो बच्चे असफल होते हैं या हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि जीवन में जो सबसे अनिवार्य होती है वह असफलता होती है, और सफलता का असली मजा तो जब आता है जब वह बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त होती है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक मूर्ख जीनियस हो सकता, एक मूर्ख जीनियस हो सकता है यदि वह समझता है कि वह मूर्ख है, और एक जीनियस मूर्ख हो जाता है जब वह सोचता है कि वह तो जीनियस है। तो प्यारे बच्चों, सफलता असफलता ये तो चलती रहती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब भी आप असफल होते हैं तो उठो, जागो, और जब तक मत रुको जब तक तुम्हें मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उन्होंने एक बात और कही है कि हम पूरी साल जैसी मेहनत करते हैं, सफलता और असफलता के परिणाम को जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, जैसा हम प्रयास करते हैं, परिणाम तो उसके अकॉर्डिंग ही आता है। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा फल प्राप्त करते हैं। मनुष्य किसी भी परिणाम के लिए स्वयं उत्तरदायी है, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो प्यारे बच्चों, सफलता असफलता एक बहुत बड़ी चीज नहीं होती, ये तो दो पहलू हैं जीवन के। हम किस परिणाम की ओर बढ़ते हैं वही हमें प्राप्त होता है। असफलता तो एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, ये देखो कि कहां कमी रह गई, केवल उसमें सुधार करो, उस दिशा में प्रयास करो, सफलता सुनिश्चित है। ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू टेक योर आईज ऑफ योर गोल। थैंक्स।